जादूगर की राहत वाली छड़ी बदलेगी सूबे का रिवाज। चुनाव से पहले गहलोत ने साध लिए कर्मचारी, महिला और आम वोटर्स। हर वर्ग को गहलोत की बचत, राहत, बढ़त। जादूगर की छड़ी बनी महिलाओं के लिए राहत की छड़ी। महिला वोटर्स पर दाव, कांग्रेस के लिए बनेगी गेम चेंजर। राजस्थान की गहलोत सरकार इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन पर तोहफा देने जा रही है, जिसमें 30 अगस्त को प्रदेश की कुल 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देंगी। मुख्यमंत्री ने साल 2022 की बजट में ये घोषणा की थी, जिसमें डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को ये स्मार्टफोन देने का वादा किया था। इसमें 3 साल के इंटरनेट एक्सेस भी दिया जाएगा। इस तरह पूरे प्रदेश की 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है। इसके लिए सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। सीएम गहलोत ने ये भी कहा था कि अगर किसी वजह से टेंडर नहीं हो पाते हैं तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद सकती हैं। इसका पैसा सीधे उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। महिला को भी या तो मोबाइल फोन कई तरह आते हैं। हम भी जाते हैं, सब लोग कहे महिला जो है चिरंजीवी योजना की मुख्य महिला है। घर के अंदर हमने सबको कहा है एक स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट में फ्री के साथ में मिलेगा तमाम महिलाओं को राजस्थान के अंदर। महिलाओं को सीएम अशोक गहलोत कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि बीते दिनों गहलोत ने इंदिरा सिलेंडर सब्सिडी योजना की राशि महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। इसके अलावा रोडवेज बसों में महिलाओं को आधे किराए का तोहफा पहले दे दिया गया था और उड़ान योजना के तहत मुफ्त में महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे जा रहे हैं। गहलोत सरकार की महिलाओं के लिए लाई गई सिलेंडर, DPT और मुफ्त मोबाइल योजना को महिला विकास की दिशा में क्रांति माना जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सब्सिडी मिली हो और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला हो। फिर अशोक गहलोत जी ने ही ऐसा का प्रोग्राम रखा है। बहुत दिक्कतें आती थी, कभी तो ईंधन ही नहीं मिलता था, गीला हो जाता था। अब उससे धुएं से आंखों में प्रॉब्लम होती थी, से हमारी आंखें खराब हो गई, घर में पॉल्यूशन फैल रहा है, बच्चों की आंखें खराब है और परेशान होते थे खाना बनाने के लिए। हमें आज तक कभी नहीं गए ऐसी योजना में, पहली बार इन सरकार पे है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने हमको सबको इकट्ठा किया, उनके गैस के बारे में हमको बताएंगे कि तुम्हारे को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, जो तुम्हारे को सब्सिडी है वो आज से चालू कर देंगे। गहलोत सरकार की इन योजनाओं का सीधा सीधा असर सूबे की 2,46,11,823 महिला वोटर्स पर पड़ेगा। इसके अलावा चिरंजीवी योजना, निशुल्क जांच और दवा, बुजुर्गों को पेंशन योजना सीएम घोषित कर चुके हैं। जाहिर है इन योजनाओं का असर भी बड़े पैमाने पर महिला वोटर्स पर होगा। इसके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद महिलाओं से कई बार उन्हें एक बार और मौका देने की बात कह चुके हैं, ताकि इन योजनाओं को और व्यापक तरीके से लागू किया जाए और उन्हें बचत, राहत, बढ़त दी जाए।